मॉर्निंग स्टूडेंट, हमने इसके पहले लेक्चर में देखा था कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, हेडिंग मारिए कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले सारे ऑप्शन लिख लेते हैं तो काउंट्स करिए। पद कोमा कर्तव्यों कोमा लोक सेवा मंडल कोमा बापू कोमा गीता कोमा विचारो पद कर्तव्यों लोक सेवा मंडल बापू गीता और विचारो। ओके, फर्स्ट लिखिए शास्त्री जी का जीवन दर्शन खाली जगह के निष्काम देखो यहाँ लिखा है सिर्फ उनका के बदले में शास्त्री जी का जीवन दर्शन खाली जगह के निष्काम कर्म योगी का प्रतिरूप था। तो खाली जगह में आएगा गीता। उनका जीवन दर्शन खाली जगह के निष्काम कर्म योगी का प्रतिरूप था। तो आंसर आएगा उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्म योगी का प्रतिरूप था। दूसरा लिखिए शास्त्री जी के व्यक्तित्व में खाली जगह का अनोखा समन्वय था। शास्त्री जी के व्यक्तित्व में खाली जगह का अनोखा समन्वय था। तो खाली जगह में आएगा विचारो। देखो यहाँ लिखा है शास्त्री जी के व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। ओके, शास्त्री जी के व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। उसके बाद का शास्त्री जी ने खाली जगह से
शास्त्री जी ने खाली जगह से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी ने खाली जगह से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी ने खाली जगह से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो खाली जगह में आएगा बापू। शास्त्री जी ने बापू से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। आगे का लिखिए, शास्त्री जी 1926 में खाली जगह में शामिल हो गए। यहाँ लिखा ये देखो, शास्त्री जी 1926 में खाली जगह में शामिल हो गए। आंसर आएगा लोक सेवा मंडल। शास्त्री जी 1926 में लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। पांचवा लिखे, शास्त्री जी ने अपने को कभी भी अपने खाली जगह के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। शास्त्री जी, देखो यहाँ लिखा है, शास्त्री जी अपने को कभी भी अपने खाली जगह के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। तो आंसर आएगा पद। शास्त्री जी अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। ओके, सिक्स, शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक खाली जगह को तरकीज दी। शास्त्री, देखो यहाँ लिखा है लास्ट में, आत्मसंयम से काम लिया और तथा शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक खाली जगह को तरजी दी। तो वहाँ आएगा कर्तव्यों। क्या आएगा? कर्तव्यों। शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजी दी। शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजी दी। आगे का क्वेश्चन लिखिए एमसीक्यू। पहला लिखिए, शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था। आंसर लिखिए ईश्वर।
शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था, तो आंसर आएगा ईश्वर। देखो यहाँ लिखा है शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। ओके, तो शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था, तो ईश्वर। दूसरा लिखिए विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। यह उक्ति खाली जगह की है। विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, यह उक्ति खाली जगह की है। तो यहाँ टेक्स्ट बुक में आपके सामने ही है कि जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। तो कौन से पुस्तक में लिखा हुआ है, बाइबल। विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, यह उक्ति बाइबल की है। तीसरा, शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की। शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की, तो देखो यहाँ लिखा है इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्हें अपनी शिक्षा पूरी की। तो आंसर क्या आएगा, काशी विद्यापीठ। शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की, आंसर काशी विद्यापीठ। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत के नौवे राष्ट्रपति कौन थे। भारत के नौवे राष्ट्रपति कौन थे, आंसर लिखिए श्री शंकर दयाल शर्मा। भारत के नौवे राष्ट्रपति कौन थे, आंसर शंकर दयाल शर्मा। ओके, एक बार रिपीट कर लेते हैं, शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था, तो के ईश्वर। विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, यह उक्ति बाइबल की है। शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की, तो काशी विद्यापीठ। भारत के नौवे राष्ट्रपति कौन थे, तो श्री शंकर दयाल शर्मा। ओके, चलो आगे हेडिंग मारिए, भाषा सज्जता देख लेते हैं। हम इससे पहले अवयव के बारे में समझ चुके हैं, अब इनके भेद के बारे में समझेंगे। तो निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। तो पहला है, भावेश कम बोलता है। साहिल झटपट तैयार हो गया। सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती है।
वंदना भीतर बैठी है, वंदना भीतर बैठी है। तो निर्देशित वाक्यों में रेखांकित शब्द अपने साथ आए क्रियापदों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। निर्देशित वाक्यों में रेखांकित शब्द अपने साथ आए क्रियापदों की विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे कि कम शब्द किया का परिणाम मात्रा है, कम मतलब ज्यादा कम, तो ये मात्रा हुआ। झटपट शब्द क्रिया की रीति है, प्रतिदिन है, ये शब्द क्रिया के काल के अर्थ में है। भीतर शब्द क्रिया स्थान संबंधी विशेषता दर्शाता है, अर्थात ये सब क्रिया विशेषण अवयव है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। जैसे कि आजकल, कल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, अधिक, ये सब क्रिया विशेषण अवयव है। नीचे है राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए, राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए। दूसरा है बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई है, बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई है। तीसरा हमारे घर के आगे मस्जिद है, हमारे घर के आगे मस्जिद है। फिर है मनीषा मानसी से मधुर गाती है, मनीषा मानसी से मधुर गाती है। आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा, आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा। तो निर्देशित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दे तो स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी किसी ना किसी संज्ञा के बाद प्रयुक्त हुए है। ये वाक्य में आए अन्य शब्द का बोध करा रहे हैं, जैसे कि के साथ मतलब राम और लक्ष्मण, के चारों ओर मतलब बगीचे और दीवार, के आगे मतलब घर और मस्जिद, से मधुर मतलब मनीषा और मानसी, की जगह मतलब साजिद और वाजिद। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अन्य संज्ञा सर्वनाम या अन्य संबंधों के साथ संबंध होता है उसको हम संबंध बोधक अवयव कहते हैं। उसके बाद है नूरुद्दीन, संजय और नीलेश गांधीनगर गए, रमेश ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया, रमेश ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया। यद्यपि वह निर्धन है तथापि उदार है। नूरुद्दीन, संजय और नीलेश गांधीनगर गए, रमेश ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया। यद्यपि वह निर्धन है तथापि उदार है। तो उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द दो शब्द या दो वाक्य या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। तो दो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा शब्दों को परस्पर मिलाने वाले शब्द को समुच्च बोधक अवयव कहा जाता है। जैसे कि और, तथा, किंतु, अथवा, इसलिए, ये सब शब्द हम यूज कर सकते हैं। अब निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। अरे क्या बात करते हो, हाय ये क्या हो गया, वाह कितना सुंदर बालक, ठहर आगे मत बढ़, बाप रे इतना लंबा सांप। तो उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द शोक, विस्मय, हर्ष, क्रोध, भय आदि मन के भावों को प्रकट करता है। तो जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए हमारे सुख के स्वत निकल पड़ते हैं उसको हम विस्मय आदि बोधक अवयव कहते हैं। तो निम्नलिखित वाक्य में से अवयव छाटिए। जैसे कि आज मैंने बहुत कम खाना खाया, तो कम
कम है, ये अवयव है। अंजलि सोनल के आगे बैठी है, तो आगे आगे है वो भी एक अवयव है, क्योंकि वो अंजलि और सोनल को मिलाता है। पहला है कम वाला, वो कौन सा अवयव है, तो के उसको हम कौन सा अवयव बोलते हैं, क्रिया विशेषण अवयव। दूसरा है उसको हम बोलते हैं संबंध बोधक अवयव। तीसरा है मीनाक्षी और सावली गांव जा रही है, मीनाक्षी और सावली गांव जा रही है, तो ये है समुच्च बोधक। और अरे ये क्या कर रहे हो, तो ये है विस्मय यादि बोधक अवयव। ओके, तो आपने जो अवयव छाटे हैं उनका प्रयोग करके उनका वाक्य बनाइए। योग्य विस्तार, प्रिय मेरा प्रिय नेता विषय पर निबंध लिखिए, मेरा प्रिय नेता पर निबंध लिखिए। तो आप फेसबुक में लास्ट पेज पर चले जाइए, फेसबुक में या रफ बुक में लास्ट पेज पर चले जाइए, हम निबंध लिखेंगे। हेडिंग मारिए मेरा प्रिय नेता, मेरा प्रिय नेता। हेडिंग मार लिया मेरा प्रिय नेता। पैराग्राफ, भारत भारत नेताओं की भूमि है, भारत नेताओं की भूमि है, भारत नेताओं की भूमि है। आगे लिखिए गोखले गोखले अल्पविराम तिलक, गोखले अल्पविराम तिलक अल्पविराम महात्मा गांधी अल्पविराम सुभाष चंद्र बोस अल्पविराम सरदार पटेल अल्पविराम पंडित नेहरू अल्पविराम लाल बहादुर शास्त्री आदि अनेक नेताओं के नाम भारत के इतिहास में अमर हो गए हैं। रिपीट करती हूँ, भारत नेताओं की भूमि है, गोखले तिलक महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस सरदार पटेल पंडित नेहरू लाल बहादुर शास्त्री आदि अनेक नेताओं के नाम भारत के इतिहास में अमर हो गए हैं। यद्यपि सभी नेताओं के प्रति मेरे मन में आदर है, पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मेरे सबसे अधिक आदरणीय और प्रिय नेता है। यद्यपि सभी नेताओं के प्रति मेरे मन में आदर है, पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मेरे सबसे अधिक आदरणीय और प्रिय नेता है। ये पहला पैराग्राफ हमारा ऐसे का कंप्लीट हुआ। फिर से देख लेते हैं, भारत नेताओं की भूमि है, गोखले तिलक महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस सरदार पटेल पंडित नेहरू लाल बहादुर शास्त्री आदि अनेक नेताओं के नाम
भारत के इतिहास में अमर हो गए हैं। यद्यपि सभी नेताओं के प्रति मेरे मन में आदर है, पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मेरे सबसे अधिक आदरणीय और प्रिय नेता है। तो यहाँ हमारा ऐसे का फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट होता है। अब दूसरा पैराग्राफ आएगा, वो हम अगले लेक्चर में लिखेंगे। ओके, आज जितना पढ़ा है उसमें कोई डाउट हो तो क्लास खत्म होने के बाद आप पूछ सकते हो। फिर बुक में अच्छे राइटिंग में इतना ऐसे लिख लेना। ओके, थैंक यू।